कल्ला कुरीची से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां जहरीली शराब पीने से 29 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 60 से ज्यादा लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने पैकेट में मिलने वाली शराब पी थी। कल्ला कुरीची जिले के करुणापुर में 18 जून को हुई इस घटना के पीड़ितों में ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं। शराब पीने के बाद रात होती होती इन लोगों को उल्टी, पेट दर्द और आंखों में जलन होने लगी। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम कुन्नू कुट्टी है। इस आरोपी के पास से लगभग 200 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई है, इसमें मेथनॉल मिला हुआ है। कल्ला कुरीची में फिलहाल 12 एम्बुलेंस तैनात हैं। पुलिस ने बताया कि मरने वालों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, रिपोर्ट आने पर मौत की असली वजह सामने आएगी। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने कल्ला कुरीची के कलेक्टर एसपी को हटा दिया है। इनकी जगह एमएस प्रशांत को कलेक्टर और रजत चतुर्वेदी को एसपी अपॉइंट किया गया है। राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीएसआईटी को सौंप दी है। साथ ही कल्ला कुरीची डीएम श्रवण कुमार जाटवत का ट्रांसफर किया है, जबकि एसपी समय सिंह मीणा को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा कल्ला कुरीची जिले के 9 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। जहरीली शराब के मामले में 20 से ज्यादा लोगों को कल्ला कुरीची मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 18 लोगों को पुडुचेरी, जिपमेर और 6 लोगों को सिलम रेफर किया गया था। इन लोगों के इलाज के लिए विल्लुपुरम, तिरुवन्नामलाई और सलेम से दवाइयां मंगाई गई हैं। डॉक्टरों की विशेष टीमों को कल्ला कुरीची अस्पताल बुलाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए कहा, कल्ला कुरीची में जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मौत की खबर से मैं बहुत स्तब्ध हूँ। कई और पीड़ित गंभीर हालत में हैं और जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। मैं अस्पतालों में भर्ती लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। वहीं सीएम एमके स्टालिन ने कहा, कल्ला कुरीची में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की खबर सुनकर मैं दुखी हूँ। इस मामले में अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मिलावटी शराब पीने से लोगों की मौत मामले पर एआईएडीएम के लीडर अड़प्पादी पलानी स्वामी ने कहा, जहरीली शराब पीने के बाद लगभग 40 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। डीएम के सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही जहरीली शराब पीने से मौतें जारी हैं। मैं इस मुद्दे को राज्य विधानसभा में भी उठाता रहा हूं और कार्रवाई की मांग करता रहा हूं। मेरी मांग है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करे। वहीं पीएमके के संस्थापक नेता एस रामदास ने मांग की है कि स्टालिन मौतों की जिम्मेदारी लें। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस विभाग और सरकार जहरीली शराब की बिक्री पर लगाम लगाने में असमर्थ है। उन्होंने सरकार से मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के मन्नामलाई ने एक्स पर कहा, जहरीली शराब के सेवन के कारण माता पिता को अपने बच्चों और साथ ही पत्नी को अपने पति को खो के दर्द में रोते देखना दिल दहला देने वाला है। पिछले साल 22 लोगों की मौत के बाद डीएमके ने सबक नहीं सीखा है और उनके बैड गवर्नेंस के कारण आज भी मौतें हुई हैं। डीएमके सरकार में कोई जवाबदेही नहीं है। उनके मंत्री जहरीली शराब बेचने वालों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। जहरीली शराब के इस मामले में तमिलनाडु सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के सीएम एमके स्टालिन ने मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की गारंटी दी है। अब यह देखना होगा कि जहरीली शराब के इस केस में तमिलनाडु सरकार क्या कदम उठाती है। इस वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें।